गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के रिवीजन में सॉल्यूशन चैप्टर से स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट करी है कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में न्यूमेरिकल करा लें। टू वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूं आपके लिए, जिसमें कुछ डिटेल्स बताई गई है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। उनको देखने के बाद आप न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। फोर टाइप्स की कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें की हम आपको फार्मूलेज बता देते हैं इनके। पहला तो आपका है डेल टी वी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो फार्मूले हम लिख रहे हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए यूज करे जाएंगे, जो डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं होते हैं। यानी डेल टी जी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, पहला फार्मूला है। अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी गई है और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं वो दिया गया है, तो आप उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है फार्मूला डेल टी वी कैलकुलेट करने का, अगर आपको मोलैलिटी नहीं दी गई है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बी, ये सॉल्यूट का मास है, अपान एम बी ये मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, इंटू डब्ल्यू ए, इस फार्मूले में रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा आपका फार्मूला है डेल टी एफ कैलकुलेट करने का, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इन के एफ इंटू मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी दी गई है और के एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। वाटर के लिए के बी की वैल्यू 0.52 होती है और के एफ की वैल्यू 1.86 होती है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये इसका यूनिट है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वाटर के लिए के बी और के एफ की वैल्यू अगर नहीं दी जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने में इसका यूज करना पड़ेगा। अगर कोई और सब्सटेंस दिया गया है, कोई और सॉल्वेंट है, तो उसकी के बी और के एफ की वैल्यू दी जाएगी। डेल टी एफ का दूसरा फार्मूला है डेल टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। मीन्स अगर आपको मास दिया है सॉल्यूट का, लेकिन एक कंडीशन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये उन सॉल्यूट्स के लिए है जो कि डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं होते, जिनका एन फैक्टर 1 होगा, या आप ये कह सकते हैं जिनमें आयंस नहीं बनेंगे। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, सुक्रोज के लिए, या आप बोले एथेनॉल के लिए, इन सब के सब्सटेंस के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं होते, इन केसेस में आपके ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। अगर हम वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी होल अपान डब्ल्यू बी अपान एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये सॉल्यूट का हमारी मास है, ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ये प्योर वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P0 यानी वो वेपर प्रेशर। और इसकी डिटेल हमने आपको दो जो वीडियो बता रहा हूँ दो शेयर कर रहा हूँ उसमें इसकी डिटेल सबकी दी। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के दो फार्मूले, दूसरी के दो और इसका एक। अगर डायल्यूट सॉल्यूशन होता है तो ये वाला टर्म हट जाएगा, अगर डायल्यूट सॉल्यूशन है तो हम इस फार्मूले को यू लिखेंगे P0 माइनस पी एस अपान P0, ये पूरा टर्म हट जाएगा, डब्ल्यू बी अपान एम बी होल अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये फार्मूले का यूज किया जाएगा। डायल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूशन 5% से कम या हो लेस होना चाहिए, 5% और लेस, 5% मीन्स 100 ग्राम में 5 ग्राम, 6 ग्राम बोलेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, या क्वेश्चन में डायल्यूट सॉल्यूशन वर्ड यूज किया जाना चाहिए। आपकी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर केल्विन में, इसी को लिख सकते हैं एन अपॉन वी आर टी, एन मोल है, वी वॉल्यूम है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू वी आर टी, ये मोल की जगह फार्मूला रख दिया। इनका यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पर आ रहा हूं,
वो अच्छा क्वेश्चन है, उसका फार्मूला भी मैंने इसमें नहीं लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो उसकी मोलैरिटी पता हो। मैंने बोला कंटेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m यूरिया सॉल्यूशन, ये स्मॉल m है, और देखिए यूरिया हमने लिया है यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये मोलैरिटी आपको दी गई है, केपी हमने नहीं लिया है, 0.52 मान लेंगे आप। फार्मूला है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी, डेल टी बी पहले निकालेंगे, के बी 0.52 इंटू मोलैरिटी की जगह 0.2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 2 to the 5, 10, 0.104 डिग्री सेल्सियस। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इतना बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा गया है। वाटर 100 पे बॉइल करता है और इतना और बढ़ जाएगा, यानी 100 प्लस पॉइंट 104, जितना बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट में ऐड कर देंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल टी बी। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस और प्लस 0.104, दैट्स मीन 100.104 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में निकालना चाहते तो यहाँ पे 273.15 या 273 केल्विन लेके फिर ऐड करते 373। स्टूडेंट यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, आपको किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है और कुछ नहीं बोला गया है, ना नाम बोला गया है ना उसका कोई फार्मूला बोला गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.2 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे सोचते हैं कुछ भी तो दिया नहीं गया, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। हमको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, पहले हम डेल टी वी निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं बोला गया, तो वाटर में ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.2, माइनस 100 कर दें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, 0.2 आ गया डिग्री सेल्सियस, यानी इतना बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप का एक फार्मूला है डेल टी बी, सामने देखिएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी और डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी। जब सॉल्यूशन सेम है तो मोलैरिटी भी सेम होगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी अपॉन के एफ इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी को कट कर देंगे, यहां पे हमें डेल टी बी हम निकाल चुके हैं 0.2 और ये हो गया आपका डेल टी एफ, हमको नहीं मालूम के बी की वैल्यू 0.52 और के एफ की वैल्यू 1.86। इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो हमारा डेल टी एफ निकल के आ गया, डेल टी एफ इक्वल टू 0.2 इंटू 0.52 अपॉन 1.86, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 1.86 अपॉन 0.52। स्टूडेंट इस तरह से ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज करेगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि जब आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल टी वी करेंगे, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट जब आप निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल टी एफ करेंगे, कितना करेंगे डेल टी एफ।
तो जो वैल्यू डेल्टा टीएफपी आएगी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जीरो होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा जीरो माइनस डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफपी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ गई, मैं मान लेता हूँ कि एक्स आ गई, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, वो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे जीरो माइनस एक्स, तो आ जाएगा माइनस एक्स डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप कोई भी सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट पता हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे उसका नेम पता हो, मोडलिटी पता हो या नहीं पता हो, या फ्रीजिंग पॉइंट पता हो तो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, 16 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एक्स कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन एक्स गिवन केवी फॉर एक्स 2.19 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये सॉल्व करना है आपको, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हम आपको यूज कर दे रहे हैं 180 होगा। सॉल्वेंट एक्स के मॉलिक्यूलर मास का यूज इस न्यूमेरिकल में नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ फॉर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास 60 व्हेन 12 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम वाटर। केएफ फॉर वाटर ऐसे दिया नहीं जाना चाहिए था, केएफ फॉर वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हम आपको एक क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी बता देते हैं, याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के लिए, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए यूज करे जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का यूज हो गया तो ये सारा का सारा फार्मूला फेल हो जाएगा। पहले वांट ऑफ फैक्टर अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो भी पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें वांट ऑफ फैक्टर सारे फार्मूले में यूज होंगे और फिर आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं खुद करूंगा आपके सामने, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 m सुक्रोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें स्टूडेंट्स हमको टेम्परेचर दिया होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से इंडिकेट करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT फार्मूला है, जिसमें टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमें केल्विन में करना होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जिसे हम केल्विन में करेंगे, 27 प्लस 273 दैट्स मीन 300 केल्विन। आर इज द गैस कांस्टेंट, यहां पे 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स ये यूज किया जाएगा। तो हम यहां पे पाई हमको कैलकुलेट करना है, सी की जगह हमने रखा 0.2, आर की जगह 0.0821 और यहां पे 300 मल्टीप्लाई करेंगे इसका। इसने मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 60 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, 6 1 6 6 2 12, 6 8 48 149, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4.926 यूनिट होगा एटीएम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पे है,
which solution has higher osmotic pressure, 0.2 gram glucose in 500 ml of solution, or 0.2 gram sucrose in 100 ml of solution at 300 Kelvin. दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होगा 180 और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होगा 342। और दोनों के कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी वी आर टी। यहां पे इसका मास रखेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, यहां वॉल्यूम लगाएंगे, तो इसी तरह से सुक्रोज का करेंगे, सुक्रोज का वॉल्यूम लगाएंगे, मास लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक दो क्वेश्चन आपको वेपर प्रेशर के ऊपर भी करा देते हैं। 3 ग्राम एंड अननोन सॉल्यूट एक्स इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम H2O वाटर has vapor pressure 70 cmHd. If the vapor pressure of pure water is 76 cm Hg, calculate molar mass of X. 3 ग्राम एंड अननोन सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है उसका मोलर मास नहीं पता, अननोन है, नेम नहीं पता, तो मोलर मास भी नहीं निकाल सकते। 90 ग्राम वाटर दैट्स मीन डब्ल्यू ए 90 ग्राम वाटर, सो एम ए इज इक्वल टू 18, मोलर मास हो गया वाटर का 18। 90 ग्राम ये मालिक ग्राम मास हो गया, डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास 3 ग्राम, एम बी मालूम नहीं निकालना है, पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर 76 गिवन है वाटर का, पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 70 cm। फार्मूला लगाने से पहले चेक करना पड़ेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। 3 ग्राम 90 ग्राम 3/90 कर लीजिए, 5% से कम आएगा, 5% से कम आएगा, तो फॉर्मूला लगेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं बुक में, लेकिन हम अभी आपको समझा रहे हैं, आप कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ में है, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ 76 रखेंगे, यहाँ 70 रखेंगे, यहाँ भी 76, डब्ल्यू बी 3 ग्राम, ये हमको मालूम नहीं, एम बी रख दीजिए, ये हमको दिया गया 90 और ये दिया 80, ये तो 5 हो गया आपका कट के, ये बचा 6 अपॉन 76 और ये हुआ 3 अपॉन एम बी और ये बचा 5। हमको एम बी निकालना है, एम बी इधर ले जाएंगे, 76 इधर 6 इधर, तो एम बी इज इक्वल्स टू 3 × 76 अपॉन 6 और 5, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 7.6, यह आ गया उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास। स्टूडेंट, इसके साथ में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट भी भेज रहे हैं, क्वेश्चन 3 वीडियोस आएंगी, इसको देखना जरूरी है, इसके पहले उन दोनों वीडियोस को थोड़ा देख लीजिएगा, इससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके हमको भेजेंगे। ओके, गुड बाय।